नंबर यस काइंडली टेल मी इट इज होल नंबर ओके कबीर कबीर प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एंड आई वांट टू टॉक विद यू वुड यू लाइक टू टेल मी अबाउट नेचुरल नंबर व्हाट इज नेचुरल नंबर कैन यू टेल मी कबीर अनम्यूट योर सेल्फ बेटा स्क्रीन पे आपकी रिकॉर्डिंग तो नहीं दिख रही मैंने तो अपनी स्टॉप कर दी ओके ओके आई एम डूइंग डोंट वरी यस मिस Please tell me about natural number. What is natural number? Kabir, now this is Fortram and I want your concentration. High concentration. So, beta, now you have to pay attention in your classes. Everyone, I am repeating lecture, so kindly listen to me very carefully. Everyone, please listen to your teacher very carefully because this is the last time I am explaining about whole number or natural number. Okay? आप लोग बहुत अच्छे से ये definition और concept को ले लीजिए कि आपके जो whole number है वो एक set होता है set of number. Okay? Whole numbers a set of number which started from zero. होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से सही है जैसे कि जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन जहां तक आपकी काउंटिंग खत्म नहीं होती किस्सा व्हाट आर यू डूइंग बेटा स्टॉप डूइंग सो ये तमाम नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं होल नंबर बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल नंबर What are natural numbers? So you have to say a set of number start from 1. A set of number start from 1 is called natural number. अब आप देखिएगा कबीर और तमाम students के miss इकरा किस तरह से set बना रही है numbers के जो कि आपने मुझे बताने पड़ेंगे maybe जब आपके first term के exams हो तो मैं आपसे ये पूछूं what is natural number and what is whole number. So you have to give me answer. In your previous classes, you have learned counting. आपने इस तरह counting याद की होगी ना? देखिएगा सब बच्चे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. किस किसने ऐसी counting learn की है? Raise your hand. सब बच्चे raise कर रहे हैं. Okay, Kanza. What about Dua? क्या हमने इस तरह counting learn की है? Sayyada Mahir Fatma, that means Maryam. Would you like to turn on your camera, beta? क्या हमने इस तरह counting learn किए in our previous classes? We learned this kind of counting. If yes, so yes, teacher. Okay, thank you for replying. So हमने इस तरह counting की, सही है? तो आपने अपनी previous counting में जो counting learn किए, वो basically आपके कौन से numbers हैं? Natural number. कौन से number? Natural number, okay? अगर आपकी टीचर आपको काउंटिंग सिखाती इस तरह देखिएगा दोबारा स्क्रीन में इस तरह 0, 1, 2, 3, 4, 5 अगर आपकी टीचर आपको काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करवाती तो दैट मींस आप कौन सी वाली काउंटिंग कर रहे हैं होल नंबर वाली होल नंबर छोटा सा फर्क है नेचुरल नंबर में होल नंबर में और वो डिफरेंस क्या है जीरो का सही है होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन से वन गॉट इट अगर एक और क्वेश्चन होता है कि टीचर अगर आप हमसे पूछेंगी व्हाट इज टू टू इज व्हाट नंबर नेचुरल नंबर और होल नंबर तो बेटा टीचर आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछेगी नहीं कि टू आपका क्या है नेचुरल नंबर है या होल नंबर है टीचर तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगी जहां डिफरेंस आ रहा होगा कि जहां पर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हो अगर जस्ट आपको मिस इकरा ये बोल दें व्हाट इज दिस नंबर बच्चों
अगर आपसे मैं शिक्षिका पूछें कि बेटा ये बताइए ये कौन सा नंबर है, तो आप मुझे दोनों तरीके से आंसर दे सकते हैं, टीचर ये होल नंबर भी है और टीचर ये नेशनल नंबर भी है, ओके। लेकिन अगर आपसे टीचर इस तरह पूछे, देखिएगा बच्चों, एक मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्रिएट कर रही हूँ, काइंडली लुक वेरी केयरफुली एंड टेल मी व्हाट इज इट, ओके। Which one is whole number? सही है, this is your question. Now zero, I am zero, miss zero. No, there is no zero. There is no zero. I am giving you option right now. You have to wait. Jafar, don't use your screen. A, B. In Google form, we have given you answer, na? सेलेक्ट करिए विच वन इज करेक्ट, सो नाउ आई एम गिविंग यू आंसर, इट्स 2 और 5.5, टेल मी विच वन इज द करेक्ट आंसर, एवरीवन टाइप योर आंसर ऑन प्राइवेट रूम, रूम चैट रूम, काइंडली टाइप योर आंसर ऑन जूम चैट रूम प्राइवेटली, ओके नूरुल हादी, आई रिसीव योर रिस्पॉन्स, एवरीवन प्लीज टाइप योर आंसर, yes good kanza hasan let me check miss sapne mera dekh ke kiya hai maine aapko pehle bheja tha aur sapne mera dekh ke kar liya what your option beta miss ikraj is explaining well that's why everyone is giving me correct answer hasan ahmed your answer is correct daniel no daniel your answer is wrong beta okay you have given me 2 is the answer okay fine daniel your answer is also correct ये सब लिखने हैं क्या टू राइट जस्ट अंडरस्टैंड इट ओके सभी का सो दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट 2 इज द करेक्ट आंसर सो टेल मी व्हाट अबाउट दिस 5 व्हाट इज दिस 5 हु कैन एक्सप्लेन व्हाट इज दिस 5 What we have to say this 5.5. Who want to give me answer raise the hand. 5.5. Natural number. It's natural. No, it's not natural, natural number. Natural number or whole number to ek jaise hota hai. Whole. If this is not whole number, I told you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Number natural. Natural. No, it's not natural number. Who want to give me answer? Mariam, where are you? Natural number and whole number? No, this is not natural number. Last time I told you when you find between number. अगर numbers के बीच में हमें point नजर आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? Decimal number. क्या कहलाते हैं बच्चों? क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताइए. Repeat after me. ओके दोबारा से सुनिएगा, दोबारा सुनिए बहुत ही ज्यादा अटेंशन के साथ, लिसन टू योर टीचर अगेन वेरी वेरी केयरफुली, हमाशा साहब बेटा वेट, दुआ खान काइंडली टेल मी नाउ यू कैन हियर मी प्रॉपरली और नॉट, बेटा आई एम स्पीकिंग, Tell me, can you hear me properly? Sabika, can you hear me? Shake your head, Sabika. Yes, okay, okay, thank you for replying. Okay, students. Now, I am explaining about decimal number. If you see any decimal, if you see any point between number, if you see any point between number, ओके नाउ लिसन अगेन, इफ यू सी एनी पॉइंट बिटवीन नंबर इन आई कैन यू हियर मी प्रॉपरली राइट नाउ बेटा व्हाई इवन दो माय लैपटॉप इज रनिंग एंड आई कैन हियर माय सेल्फ लैपटॉप में से आवाज मुझे आ रही है मेरी कबीर कैन यू हियर मी नो You are hearing me, that's why you are responding, Kabir. Now listen everyone.
दिस इज टेन पॉइंट फाइव, दिस इज फुल स्टॉप, 10.5. अगर आपको कोई भी ऐसा नंबर नजर आए जिसके बीच में आपको इस तरह का डॉट नजर आए तो वो कौन से नंबर कहलाते हैं बच्चों, जरा ध्यान से इसका नाम देख लीजिए, डेसिमल नंबर। ख्याल से देख लीजिए, अटेंशन के साथ देख लीजिए, दोबारा से आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वन बिकॉज आपको ये तीन चीजें पक्की पक्की क्लियर होनी चाहिए जिनमें आ रहे हैं हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड डेसिमल नंबर। इन द होल ईयर वी विल डू वर्किंग ऑन दीज थ्री नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड डेसिमल नंबर। नाउ आई एम रिपीटिंग अगेन, टेल मी व्हाट इज दिस, टेल मी व्हाट इज दिस 15.5, इट्स अ होल नंबर और डेसिमल नंबर, कैन यू टेल मी? यस हुनैन, काइंडली स्पीक। हुनैन आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, प्लीज गिव मी What is this number? 15.5. Natural number or decimal number? Decimal number. Decimal number. Beta, can you elaborate why you are saying this is decimal number? Okay. इसके बीच में point है. Very good. So हमें आज ये चीज समझ आ गई है. At every number, when we see any point in mess language, we have to say decimal point. So this number is called decimal number. Now look over there. This is 160. Now Miss Ikra inserting point and 7. Now tell me, what is this number, Sabika? Sabika, please unmute yourself. Sabika, unmute yourself. Yes, miss. What is this? Yes, miss. 7 is natural number or whole number? Whole number. Whole number, okay. I am asking 160.7. So you are saying this is whole number. Okay, fine. Jafar, give me answer. Jafar, give me natural number. It is natural number. Are you sure? Yeah, decimal number. Okay. Thank you so much, Kabir, for responding. Dua, everyone is listening me right now. So, Kabir. Now, unmute yourself, Kabir. Everyone, type your answer. I am writing two numbers, so you have to write your answer privately, teacher. A is natural or whole number and B is natural or whole number. Okay, now give me your answer. Everyone, please give me your answer on Zoom chat room privately. Okay. A B C and D. Everyone please write your answer on Zoom chat room. तमाम बच्चों ने मुझे answer देने हैं कि teacher A decimal है या whole number है, B decimal और whole number, C decimal और whole number and D decimal और whole number. Privately give me answer.
Yes, I am receiving your response. Okay, Jaffer. Okay, Sabika. I am receiving your response. Yes, Kanza. I am receiving. Everyone, type your answer. Good job. Very well done. Okay. Hamar Shahzad, good. Kissa, good job. Yes, Nurul Hadi, I am receiving your response. You are giving me correct answer. And Kabir, you are typing whole and decimal 3. How, Kabir? Please explain it. Abhi main aapse baat karti hu. Would you like to explain it? Why you are giving me the answer 10.11 is whole number and decimal number. You have to write only one. Okay. Okay, beta. Mostly I have received correct answer. Kabir, आप दोबारा से अपने आप को अनम्यूट करो और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो आज, बिकॉज बाय टुमारो वी विल डू वर्क. ओके, हम इसी तरह से कुछ वर्किंग करते रहेंगे सॉफ्टवेयर पर जब तक आप लोग अपनी कॉपीज को रिसीव नहीं कर लेते और प्रैक्टिस करते रहेंगे. कबीर, आई वॉन्ट टू टॉक विद यू. कबीर, एवरी वन इज डूइंग देयर वर्किंग, सो काइंडली कबीर, आई वॉन्ट टू टॉक विद यू. अनम्यूट योर सेल्फ. कबीर, अनम्यूट योर सेल्फ. यस मिस. बेटा कबीर, आपने क्वेश्चन नंबर सी का आंसर मुझे दिया है, होल नंबर प्लस डेसिमल नंबर. आपने दोनों चीजें टाइप की हैं. तो कबीर, आप मुझे बताएंगे कि ये डेसिमल और होल नंबर कैसे हुआ? मिस, मैं समझा. मिस, मैं समझा कि 10.1 ये एक साथ है और वन वो जो आखिरी का वन है वो अकेला है. नहीं नहीं, ये सब एक साथ हैं. तो आप मुझे काइंडली गिव मी आंसर. 10.11 इज अ होल नंबर और डेसिमल नंबर? कैन यू टेल मी राइट नाउ? डेसिमल नंबर. ओके, डेसिमल नंबर. व्हाई इज दिस नंबर इज डेसिमल? बिकॉज़ इट्स 10.1111. So you no, not 11-11 beta, it's 1-1. Okay, so aap is tarah kahegi, teacher, there is a decimal point involved, that is why this is called decimal number. Got it? Okay. Okay, Kabir, can you mujhko aap bataiye ye baat class mein. Kabir, can you tell me ki do you know about the whole number? Yes miss. Okay, so tell me what is whole number? Miss, whole number is does not have a dot. Okay, आपने ये कहा does not have a dot, और एक proper definition जो Miss इकरा ने आपको बताई थी, can you repeat it? Explain किया था थोड़ी देर पहले मैंने. What yes, is whole number and what is natural number, and I also explain about the differentiation between both numbers. Okay, Kabir, you forgot it, huh? Okay, bacho, I'm giving you a small review because we have only 4 minutes remain of math class, and after that we will start our GK class. So take the review again about whole number and natural number. And please clear your concept, because if your concept is not clear, so in maths you will not receive your desired result. And I want that every student in my class will be tiger or tigress. Okay, in maths, मेरे तमाम बच्चे मुझे tiger or tigress चाहिए. सही है कि जब भी maths की बात हो मेरे बच्चे fully prepared हों और उन्हें सब चीजें आती हों, मैं ये चाहती हूँ. सही है. अब जल्दी से कॉन्सेप्ट ले लीजिए. तीनों चीजें मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड डेसिमल नंबर. ओके, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि डेसिमल और होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है. सही है. अगर हम होल और नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि मैं आपके सामने राइट कर रही हूँ. आप देखिएगा
कि जो भी काउंटिंग हमारी स्टार्ट हो रही होती है जीरो से, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड ऑनवर्ड्स कंटिन्यू रहती है, सही है। तो जब भी काउंटिंग हमारी जीरो से स्टार्ट हो रही होती है वो नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स कहलाते हैं? होल नंबर्स। कौन से नंबर कहलाते हैं? होल नंबर्स। ओके, जब भी काउंटिंग हमारी स्टार्ट होती है वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, सही है, तो वो काउंटिंग हमारी क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर। ओके, अगर मैं सिकरा आपसे सिर्फ ये पूछें टू टू व्हाट इज टू, तो आप दोनों तरीके से मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, टीचर दिस इज नेचुरल नंबर एंड दिस इज होल नंबर। कंप्लीट आंसर आप मुझे देंगे, आप ये नहीं बोलेंगे टीचर दिस इज नेचुरल नंबर, आप मुझे कंप्लीट आंसर देंगे टीचर दिस इज होल नंबर एज वेल एज नेचुरल नंबर। गॉट इट? शेक योर हेड एवरीवन। ओके, इफ मिस इकरा इज आस्किंग व्हाट इज दिस जीरो, व्हाट इज दिस जीरो, हु वांट टू गिव मी आंसर वेदर इट इज नेचुरल नंबर और होल नंबर और बोथ, वुड यू लाइक टू टेल मी व्हाट इज जीरो? Who want to give me answer? Raise the hand if you want to give me answer. Okay, Nurul Hadi and Kanza. So I am giving the opportunity first to ladies first. Nurul Hadi, can I apply this? Ladies first. So Kanza, would you like to unmute yourself and give me answer? Miss, whole number. Yes, very nice. So agar by itself hum baat karenge zero ki, to aap mujhe ek correct answer denge teacher, this is whole number because in natural number zero is not involved. Got it everyone? Yes. Beta, ye aaj last day hai about concept, then we will work by tomorrow. Place value हम करेंगे कल इंशाल्लाह। सो आज आप होल नंबर नेचुरल नंबर को क्लियर कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट लुक एट योर स्क्रीन अगेन, सो हु वांट टू गिव मी आंसर अबाउट दिस? कबीर बताएंगे मुझे। सिक्स पॉइंट सिक्स, कबीर टेल मी। आई नो, can I tell? No, Kabir will give me answer. Kabir, give me answer. Can you tell me what is 6.6? Kabir, unmute yourself. I'm waiting. Miss, decimal number. Very good, Kabir. Beta, Kabir has given me answer. This number is decimal because there is a point between two numbers, so that is why it is called decimal number. When there is a point between numbers, so this number is called decimal number. So I hope you understood these three categories of number: natural number, whole number and decimal number. By tomorrow we are going to discuss about forms of number. Okay, by tomorrow we will discuss about forms of number. Got it everyone? I will give you a small assignment. You have to find the definition of whole number, natural number and decimal number, and you may write on any rough copy. Got it? Because this is a small assignment and I will give you marks as well, which you can see on university. So for mass class students, I want to say Allah Hafiz and you have to join your GK class. Got it everyone? Join your GK class.